रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तिल की चिक्की बनाना बताऊंगी। तिल, जैसा कि आपको मालूम है कि तिल बहुत ही मुफीद चीज़ है। इसकी चिक्की बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं और बड़े भी खाते हैं। तो मैंने ब्राउन शुगर ले ली है 1 कप और तिल ले लिए 1 कप, ये बराबर मकदार में ले लें। शक्कर की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं और चीनी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि तिल को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। एक पैन में इसको डाल दूंगी और इसको अच्छा सा तेज़ गरम कर लूंगी। इसका कलर चेंज नहीं करना, बस इसको सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है 1 डेढ़ मिनट के लिए। एक पैन में आधा चम्मच घी लेंगे। अब इसमें ये शक्कर डाल देंगे और इसको कैरेमल करेंगे। इसको पिघलाएंगे और पिघला कर इसका शीरा सा तैयार करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि कब ये तैयार होगा। इसका चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, जलने नहीं देना, इसको चलाते रहना है। अभी ये थोड़ा सा और पकेगी। इसको पकाते हुए जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो एक कतरा लेके ठंडे पानी में डालेंगे और 5-10 सेकंड इसको डाले रखेंगे। अगर ये सख्त हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये चाशनी तैयार हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें डाला था, ये अब सब टूट रहा है, इसका मतलब है कि ये तैयार है। अब मैं इसमें तिल डाल दूंगी। तिल डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जहाँ पर हमने ये बैटर डालना है उसको ग्रीस कर लेना है आयल से। तो ये अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब हम इसको कुकिंग सरफेस पे, जो जगह हमने बिल्कुल साफ़ करके इसको ग्रीस कर लिया, अब इसी पर हम डालेंगे इसको और इसको फ़ौरन से सेट करेंगे। इसके ऊपर हम रोलिंग पिन इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी मैंने ग्रीस कर लिया। अभी ये मेल्ट हो रही है शुगर, तो थोड़ा सा जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये फ़ौरन सेट हो जाएगी। इसको जितना पतला बेल सकते हैं उतना बेलेंगे। ये हमने इसको बेलकर रख दिया। 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे तो ये अच्छी सेट हो जाएगी। फिर हम इसको जैसे चाहें काट लेंगे। ये 5 मिनट से पहले ही काफ़ी सेट हो गई है तो इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। तिल की मज़ेदार चिक्की तैयार है। मिंटू में बन जाने वाली रेसिपी है, ज़रूर बनाएं और बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये अभी ठंडी हो रही है लेकिन ये अभी थोड़ी सी और कड़क होगी। बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।